तो हमारी मथुरा की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 15 अगस्त 12:30 मुंबई से ट्रेन लेते हुए 17 अगस्त 1 बजे हम मथुरा पहुंच जाते हैं। अब था इंतज़ार सवेरे होने का, क्योंकि रात कट रही थी हमारे स्टेशन पर उस भीड़ को देखकर। साढ़े 4 बजे का वो समय था जब सभी ने हमसे कह दिया कि यहाँ पर तो सब रूम फुल है, और अपनी उम्मीद खोने के बाद एक करिश्मा आया और हमें रहने के लिए जगह मिल गई। सो राधे राधे दोस्तों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल द डेली डोज। मैं ऋतु मिश्रा और मेरे साथ मेरे भाई आयुष्मान मिश्रा। आज हम पहुँचे हैं, राधे राधे बोलने से आपको समझ ही गया होगा कि आज हम कहाँ पर पहुँचे। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया, हम मथुरा वृंदावन ब्रजवासी हमारे ठाकुर जी के पास पहुँचे हैं। ये हमारा फर्स्ट डे है मथुरा में, और जन्माष्टमी तो कल है, तो आज हम सोच रहे हैं कि हम वृंदावन पूरा एक्सप्लोर करें और आपको एक एक डिटेल दे कि आप मथुरा से वृंदावन कैसे जा सकते हो और कौन से मंदिर है, कौन से प्लेसेस है। ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है, तो वीडियो पर बने रहिए। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी सवारी की तरफ। स्वादिष्ट चाट और ढोकले के साथ हम निकले अपने दर्शन के लिए। आखिरकार वृंदावन हम पहुंच गए। सभी अपने लड्डू गोपाल को लेकर उस एक झलक के इंतजार में हैं। शुरुआत हुई बांके बिहारी के दर्शन से, और बांके बिहारी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। सिर्फ ये था, मुझे ये लगा कि क्राउड मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सभी एक साथ आ रहे, एक दूसरे को धक्का धुक्की दे रहे, जिससे सभी को दर्शन नहीं मिल पाता और कुछ लोग वहीं के खड़े रह जाते। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए, बाकी क्राउड तो बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और बांके बिहारी के बारे में बताना चाहूँगी कि बाकी ये जो बांके बिहारी मीन्स ये राधा कृष्ण का मंदिर है, मीन्स श्यामा और श्याम का मंदिर है, और ये स्वामी हरिदास ने बनाया था, द्वापर युग में बनाया था। पर इसकी जो मूर्ति थी, तो आपको भी पता है कि मुगलों ने आकर हमारे मंदिर को तोड़ दिए थे। तो उसके बाद तो ये मंदिर 1864 को बना था। और बांके बिहारी, बांके ये शब्द का मतलब है बेंट, और बिहारी मीन्स एन्जॉय करना। और जो तानसेन के गुरु थे वही थे स्वामी हरिदास, जिन्होंने ये मंदिर बनाया, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रानी, कृष्ण जी, ठाकुर जी दोनों ने उनको दर्शन किया। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने बाद हम निकले श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर के दर्शन करने।
के कुछ दूरी पर है मीराबाई का मंदिर, और ये वही मीराबाई है जो ठाकुर जी में मग्न हुई थी। और आज भी इस मंदिर में वही शालिग्राम मौजूद है जो मीराबाई को ठाकुर जी ने दिया था। तो इस मंदिर की ऊर्जा बहुत ही अलग है, तो ये भी आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अब हम चले शाहजी मंदिर की ओर। अब हम बढ़े अगले मंदिर की ओर, रंगजी महाराज का मंदिर। बार्गेन कर सकते हो, थोड़ा भाव ताव करके उनको मना लेना, और ऐसे नहीं तो भी वहाँ के पंडे पुजारी आपको खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको दर्शन करा देते। और उसके बाद अभी जो मेरे पीछे ये मंदिर है, ये रंगजी महाराज ने विराजमान किया मंदिर। यहाँ पर शोज़ भी होते, तो एक शीश महल है, वाहन घर है, तो वो सारा हमने आपको वीडियो में दिखाया। उसके अलग अलग 10-10 रुपीज़ के चार्जेस है, और शीश महल का चार्ज है 5 रुपीज़। और ये वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है, मतलब आप बाकी बिहारी का मंदिर घूमने के बाद आपको ई रिक्शा लेनी पड़ेगी निधिवन के लिए, और निधिवन से ये सारे मंदिर हमने वॉकेबल डिस्टेंस पर कर लिए, तो आपको बार बार ई रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, आप भटक सकते हो, तो आप कुछ पूछ के जाया करो, सभी प्लेसेस पर दर्शन हो जाएंगे। फिर हमने नंद जी का घर भी देखा, उनके भी दर्शन हुए हमें। और अभी हम जाने वाले हैं इस्कॉन मंदिर की ओर और प्रेम टेंपल। और याद रखिएगा कि मंदिर 1 से 4 बंद होता है, तो 1 से 4 हम यहीं वहीं घूमते रहे गलियों में, ताकि थोड़ी छांव मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर। और बंदर से तो बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हो गया है कि आयुष्मान को बंदर ने काट दिया है, और अभी टिटनेस की इंजेक्शन लेनी पड़ेगी। और बंदर को पता नहीं क्या लगा हुआ है, सनग्लासेस और लोगों के चश्मे से वो लेंगे और आपके सामने ही तोड़ के आपको दिखा देंगे, लो आगे मज़ा, ऐसा करते। और उसके बदले में उनको फ्रूटी चाहिए होती, इसके लिए वो चश्मा ले लेते और मोबाइल भी लेकर जाते। तो इस चीज़ के लिए बहुत आपको अवेयर रहना है। और थोड़ा तो बुरा लग रहा है कि मेरे भाई को बंदर ने काट दिया है, पर अभी क्या कर सकते, होगी भगवान की कोई इच्छा, कुछ गलती की होगी, उसकी सज़ा यहीं पर दे गई। तो इसी बात पर राधे राधे, चलते इस्कॉन मंदिर की ओर और प्रेम टेम्पल की ओर।
में तबला बज रहा है।